हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एपीवाई व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? सो आज हम जा रहे हैं बिग ट्री कैफे गुरुग्राम में। ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा कैफे है, तो चलो शुरू करते हैं। कैफे मेन रोड पे है बट कोई साइन वगैरह नहीं है। आपको ये जो ग्रीन डोर है इसी को देख के अंदर आना पड़ेगा। अंदर आने के बाद घुसते ही आपको दिख जाएगा ये कैफे। राइट साइड पे जाएंगे तो पार्किंग है। तो गाइज अभी हमने गाड़ी पार्क कर लिया, अब हम कैफे की तरफ जा रहे हैं। आपको पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा है, लाइव म्यूजिक नाइट है आज, तो चलो आगे चलते हैं। कैफे में घुसते ही ये बहुत ही सुंदर सा इनका एंट्रेंस है, पूरा लिट अप हो रखा है लाइट्स वगैरह के साथ। विक्ट्री कैफे गुरुग्राम। सो चलिए अंदर चलते हैं। लाइव म्यूजिक काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने एकदम स्टेज के पास अपनी सीट ली। तो अभी आपको मैं अपना सीट दिखाता हूँ। तो हम एकदम स्टेज के पास हम यहाँ पे बैठे। ऑल दो जून में आप जानते ही हैं दिल्ली एनसीआर में बहुत गर्मी होती है, बट ये जो इन्होंने स्प्रे वाला जो फैंस वगैरह हर जगह लगा रखे थे, इससे काफ़ी कूल था इन्वायरमेंट। तो शाम को हम करीबन 9 बजे के आसपास गए थे। प्लेस का डेकोर एकदम पूरा एकदम बीच के जैसे है, सैंड ग्रेवल ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। आपको अगर फोटोग्राफ्स वगैरह लेना पसंद है तो ये बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशंस और बैकड्रॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं छोटे से ग्रीन कलर के एग्लू जैसे स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे भी आप अपना सीट वगैरह ले सकते हैं। इनको आपको बुक करना पड़ता है पहले से ही, और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ये जो साइड में जो ये छोटे से टेंट्स हैं, यहाँ पे भी आपको आप अपना बर्थडे पार्टी कर सकते हैं। ये आपको पूरा डेकोरेशन वगैरह करके देते हैं। इन जो टेंट्स वगैरह का इनका चार्जेस 2000 से लेकर 4000 एक्स्ट्रा है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर करा खाने के लिए। सो खाना भी हमको काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। हमने यहाँ पे चाप, वाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करा और जूसेस वगैरह के साथ। सो फूड काफ़ी टेस्टी था, थोड़ा प्राइसी है। दो लोगों के लिए करीबन आप स्पेंड करना पड़ेगा आपको अराउंड 1500 फॉर फूड्स। बार भी यहाँ पे अवेलेबल है इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, सो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो अभी हम खा पी के अब हम घर की तरफ चले। सो काफ़ी फिल हो चुके थे, सो नाउ वी आर हेडेड होम। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।